कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। बताओ भगवानों, कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। वाह, परम कवि है, हजारों साल जिंदा रहेंगे। अगली पंक्ति हमारे बारे में सुनना, मंच के बारे में, और वहां आई नहीं आपकी इस पंक्ति पर। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। वाह, यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है। यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है। दस्तार कहते हैं पगड़ी को, पद को। लड़ाई क्या थी, संघर्ष क्या था, दो पंक्ति में बता रहा हूं। अब हाथ खोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा। धन्यवाद थी आपके। उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया महल ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया महल ताज उस पर है। कि पराए आंसुओं से, फिर कह रहा हूं, देश की बात आए, अपने मुल्क की बात आए, तो अपने आप के खिलाफ भी बोलो और अपने बाप के खिलाफ भी बोलो। कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। क्या कहने, और विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं राजनीति में आने वाले लोगों को जो राजनीति में हैं, आकाश तो हमारे घर का है, कि कवि सम्मेलनों में बैठना शुरू करो, इन कवियों का विपरीत स्वर सुनना शुरू करो, इसका अभ्यास डालो। क्योंकि जिन पत्थरों ने छेनी और हथौड़े की चोट सहने से इंकार कर दिया, वो सड़क के किनारे पड़े रहे, देवताओं की तरह पूजने लायक मूर्तियां नहीं बने कभी भी। और कवियों से आशा मत करो कि वो आपके समर्थन में गीत गाएंगे। कविता शाश्वत विपक्ष है। जिस दिन कविता सरकारों की चापलूसी शुरू कर देगी, उस दिन या तो कविता समाप्त हो जाएगी या सत्ता समाप्त हो जाएगी। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। वहां करिए, इसके स्वर में फूल छोड़ लेंगे। कि पराए आंसुओं से, मार्केटिंग सीख गया ये, रामदेव जी का चेला है ना, बाबा से बड़ा किसी ने नहीं बेचा, कमाल का काम। मेरे बहुत आदरणीय है, बड़ा प्यार करते, लेकिन है चीज भाई। पूरे 10 साल पूरे देश से कहा उन्होंने, काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो, देश योग करने लगा। वो योग, वो काम धंधा करने लगे। अच्छा, कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है साहब, सारी मल्टीनेशनल फेल हो गई। अभी मैंने उनका नमक देखा, उस नाम पे लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 28 मई। मैंने कहा बाबा टाइम पे खोद लाए, नहीं तो कहते ही पड़ा पड़ा ही एक्सपायर हो जाता बढ़िया। आज तक एक दिन जहाज में मिल गए थे मुझसे, मुझसे कह रहे थे देख मैंने टूथपेस्ट बनाया है दंत कांति। मैंने कहा महाराज जी इसमें क्या है, बोले इसमें जायत्री है, जायफल है, लवंग है, पंचगव्य है, गौमूत्र है। मैंने कहा मुंह में हवन कराना है कि मंजन, ऐसी अनुभूति होती है कि फूकने का मन ही नहीं करता। लेकिन भाई ऐसी दुकान चलाई है कि कॉलगेट वाले भी वेद शक्ति लेके आए। मैंने पूरा वेद पढ़ा कि मां मंजन का जिक्र हो, कहीं निकले गजब बेचा है साहब, अद्भुत, उससे सीखा है। तब पंक्ति कह रहा हूं कि पराए आंसू।